श्रीमान नाथूलाल पटेल की पहली प्रश्न है कि पग चुरीला कछु पीठी पे श्रवण नयन भगदंत तुलसी ऐसी नारी को भजन करें भगवंत। स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुनी कथा प्रसंग के प्रश्नावली कार्यक्रम में। आज के वीडियो के माध्यम से हम अपने एक दर्शक श्रीमान नाथूलाल पटेल द्वारा पूछी गई एक पहेली का शास्त्रोक्त उत्तर महर्षि गर्ग द्वारा रचित गर्ग संहिता की एक बहुत सुंदर कथा के माध्यम से दे रहे हैं। पग का मतलब पैर, चुरीला का मतलब चूड़ी की तरह घुमावदार, श्रवण मतलब कान, नयन मतलब आंखें, भगदंत मतलब टेढ़े या बड़े दांत, तुलसी का मतलब तुलसीदास जी, ऐसी का मतलब इस प्रकार की, नारी का मतलब स्त्री, भजन का मतलब भजन कीर्तन और भगवंत का मतलब श्री भगवान। साधारण अर्थ, जिसके पैर चूड़ी की तरह घुमावदार हैं अर्थात टेढ़े मेढ़े हैं, जिसकी पीठ के ऊपर कुछ लदा हुआ है, जिसके कान आंखें और दांत टेढ़े मेढ़े हैं और बड़े बड़े हैं, और ऐसी कुरूप महिला होते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका भजन स्मरण स्वयं श्री भगवान करते हैं। रचित गर्ग संहिता में वर्णित एक सुंदर कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये पहेली महाराज दशरथ की पटरानी महारानी कैकेयी की दासी मंथरा के संबंध में है। मंथरा के पैर टेढ़े मेढ़े थे, कान शरीर के हिसाब से बड़े थे, उनकी आंखें भेंगी और दांत बाहर को निकले हुए टेढ़े मेढ़े थे, उनकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था, किंतु भगवान राम की माता कैकेयी का पालन पोषण करने वाली वो दासी के साथ उनकी धाय मां भी थी। वो इसलिए प्रभु राम उनको नानी मां कहकर बुलाते थे और उनके चरण स्पर्श करते थे। कभी भी मंथरा को उन्होंने दासी नहीं माना था। अब सुनिए, मंथरा थी कौन, उसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे उसको सभी देवताओं सहित भगवान शिव के आराध्य साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम और उनके अंशावतार श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को पालन पोषण करने, उनकी बाल लीलाएं देखने, फिर उसके मंथरा के कारण ही प्रभु को बन जाना पड़ा और राक्षस वध में वो कैसे सहायक बनी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो राम जी वन गमन कैसे होता, और वो वन नहीं जाते तो दुष्ट राक्षस कैसे मारे जाते। अर्थात ईश्वर जो करता है किसी न किसी बहाने से करता है, और वही प्रभु श्री राम ने किया था। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। महान व्यक्ति का पुत्र अक्सर महान ही हुआ करता है। उसी प्रकार भक्त प्रहलाद का पुत्र विरोचन भी एक धर्मात्मा और महान व्यक्तित्व का स्वामी था। भक्त प्रहलाद जब अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ अपने कुल परंपरा के अनुसार ही राज्य किया, और राक्षस लोग उन्हीं परंपराओं के साथ रहे जैसे वो पूर्व में रहा करते थे। अब फर्क इतना था कि राक्षस लोग भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करते थे, और वहीं से शिव और विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त कर रहे थे। किंतु राक्षस होते हुए वैष्णव बनने के कारण उनके अंदर सद्गुण आ गए थे। ज्यादातर लोग वैष्णव
अर्थात शाकाहारी और नियमित संध्या पूजन करने वाले हो गए थे। अतः धर्म की वृद्धि हो रही थी, अधर्म समाप्त प्राय हो रहा था। जब भक्त प्रहलाद थोड़े बूढ़े हो चले और उनका पुत्र विरोचन बड़ा हो गया तो उन्होंने विरोचन को राजा बना दिया और स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में पूरी तरह से संलग्न हो गए। महाराज विरोचन एक महान प्रतापी वीर और दानशील राजा थे, जिन्होंने दिग्विजय यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की मदद से दसों दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त की, जिससे उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हराकर उनका सिंहासन भी अपने अधीन कर लिया और त्रिदेवों को छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर उन्होंने सभी को अपने अधीन कर लिया था। महाराज विरोचन का नियम था कि वो सुबह उनके स्नान ध्यान संध्या वंदन के पश्चात जो भी याचक ब्राह्मण आते थे उनको मन चाही मुराद को वो पूरी करते थे, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे, अर्थात वो एक अच्छे दानी थे। उधर स्वर्ग छिन जाने से परेशान दुखी आत्मा इंद्र परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उनसे त्राही माम करता है और अपनी व्यथा बतलाता है। भगवान विष्णु द्रवित हो जाते हैं और इंद्र को बोलते हैं कि एक धर्मपरायण राजा विरोचन, जिसने आज तक कोई पाप किया ही नहीं बल्कि आप जैसे शत्रुओं को हराकर उसने जीवन दान दिए हैं, तो भला मैं क्यों और कैसे उसका वध कर सकता हूं। वह बहुत धर्म परायण दानी और कर्तव्यनिष्ठ राजा होने के साथ साथ मेरे परम भक्त भक्त प्रहलाद का पुत्र है, अतः मैं उसका कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकता। तो इंद्र बोलता है कि फिर प्रभु, मैंने अपने पूर्व जन्म में जो इतनी तपस्या इतने यज्ञ किए और उसके बाद जो आपने हमें इंद्र पद दिया, तो उस वो किस काम का, अगर हम उस इंद्र पद का भोग भी न कर सकें तो उसका क्या, फिर कोई तो उपाय बताओ महाराज। अब प्रभु विष्णु ने देखा कि मामला तो गंभीर है, भाई इसे इंद्र का पद भी मैंने ही दिया है और अगर ये इंद्र की का काम ही नहीं कर पाएगा तो फिर इंद्र का पद बेकार हो गया। अब वो हमारे भक्त का बेटा है तो हम उसको उसका वध भी नहीं कर सकते और फिर उसने कोई ऐसा गलत काम भी नहीं किया कि मैं उसका वध करूं। विष्णु जी के समक्ष ये समस्या, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। प्रभु विष्णु ने उपाय बतलाया कि विरोचन बहुत बड़ा दानी है, सुबह जो भी उसके पास याचक जाता है खाली नहीं लौट सकता, आप सुबह ब्राह्मण का भेष बनाओ और ब्राह्मण के भेष में जाकर अपना स्वर्ग मांग लो। और उपाय बताकर प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली और योग माया के साथ योग निद्रा में खो गए। अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया, इतना कहकर के वो सो गए। इंद्र ने सुबह ब्राह्मण का रूप बनाया और विरोचन जहां पर पूजा कर रहे थे वहीं अलग जगा दी और फिर जब विरोचन वहां पूजा पाठ संध्या भजन करके और आगे बढ़े तो देखा कि ब्राह्मण खड़ा है, तो उन्होंने कहा मांगो। और जब ये मांगो शब्द सुना तो इंद्र के मन में कपट आ गया। उसने सोचा कि इससे स्वर्ग मांगकर मिल तो जाएगा किंतु फिर मुझे कौन पूछेगा, मेरी कौन पूजा करेगा, लोग मुझे दान में मिला राज्य का उलाहना देंगे, अतः मैं स्वर्ग मांग कर इससे स्वर्ग को न मांग करके इससे इसकी मृत्यु ही मांग लेता हूं। उसने राजा से संकल्पित होने की प्रार्थना किया और कहा कि संकल्प करो कि आप अपनी बात से नहीं फिरोगे। राजा हंसकर जल लेकर के
संकल्प पढ़ता है, और जब एक बार कोई संकल्प कर लेता है तो उसे वो काम करना ही पड़ता है, खास करके दान के संबंध में। तो इंद्र ने कहा कि मुझे, अब जब वो संकल्प उठा लिया और संकल्प के बाद कहते हैं कि अब मांगो, तो इंद्र ने कहा मुझे आपका सर चाहिए। राजा विरोचन वचन से बंधे थे, संकल्पित थे, अतः बोले कि आप ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, आप अपनी पहचान बताओ। तो इंद्र ने टाल मटोल किया तो विरोचन हाथ में जल लेकर के बोलते हैं कि अगर मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया है तो इस ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा मेरे सामने आ जाए। अब क्या था, डरा सहमा हुआ इंद्र सामने खड़ा था। दिग्विजय करने वाले महाराज विरोचन हंस पड़े और इंद्र से यह कहकर कि तुमने छल से तुम मेरा वध करवा रहे हो, किंतु ज्यादा दिन तक राज्य भोग नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी संतान तुमसे इस कपट का बदला अवश्य लेगी। और ऐसा कहकर विरोचन ने अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काटकर इंद्र को दान देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह दृश्य देखकर राजा के दोनों बच्चे, एक पुत्र बलि, दानवीर बलि का नाम आपने सुना है, जिसके और दानवीर बलि जिनके दरवाजे पर भगवान स्वयं वामन रूप धर करके मांगने के लिए गए थे, वो बलि विरोचन के ही पुत्र थे। उनके दोनों बच्चे, एक पुत्र बलि और पुत्री विरोचना, दोनों आर्तनाद करते रोते बिलखते हुए वहां आते हैं। बालक बलि और बुजुर्ग भक्त प्रहलाद और सभी लोगों की प्रार्थना के बाद भी इंद्र ने विरोचन का सिर नहीं लौटाया, कटा हुआ सिर वो लेके चल पड़ा, जिससे उनके दाह संस्कार के लिए हिंदू रीति रिवाज में यह है कि बिना सिर के दाह संस्कार कैसे होता है, क्योंकि सिर में ही दाग दे करके उसका दाह संस्कार पूरा होता है, तो सिर ही वो नहीं दे रहा। भक्त प्रहलाद ने कहा कि भाई जो आपको करना था कर चुके, अब हमारे बच्चे की का सिर तो वापस कर दो जिससे उसकी मुक्ति हो सके। लेकिन इंद्र तो इंद्र था, बहुत ही कपटी, और वो अपना ले करके सिर चला गया। बलि अभी बहुत छोटे थे, किंतु बिना लड़े और इंद्र को हराए हुए पिता का सिर तो नहीं मिल सकता था, अतः विरोचना ने अपने दादा श्री प्रहलाद का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी विरोचना सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी और अपनी सारी राक्षसी विद्याएं उसने सीख रखी थी। उसने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण करके रास रंग में डूबे देवताओं पर नाग बाणों की वर्षा कर दिया, सभी देवताओं को बंदी बना लिया। भाई राजकुमार बलि ने पिता का सर लेकर युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कर देते हैं, किंतु राजकुमारी इंद्र सहित अग्नि, वरुण, पवन आदि किसी देवता को जिंदा न छोड़ने पर अड़ गई थी। नागों के जहर से सभी देवता चीत्कार कर रहे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी से अनुनय विनय कर रही थी, अपने आप को उनकी दादी होने की गुहार लगा रही थी, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि दिति अदिति दोनों ही बहनें हैं और दोनों ही महर्षि कश्यप की पत्नी हैं। दिति से सारे दानव दैत्य पैदा हुए थे और अदिति से देवता, तो वो उनको अपनी अपने रिश्ते की दुहाई देती हैं। लेकिन राजकुमारी विरोचना क्रोध में उनकी कोई अनुनय विनय नहीं मान रही थी। तब परेशान होकर आदमी क्या करता है, कोई भी जब परेशान होता है तो सबसे पहले उसको ईश्वर याद आते हैं।
देव माता अदिति अपने घुटने टेक करके वहीं पे बैठ जाती है और भगवान विष्णु की आराधना स्तुति करती है। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और राजकुमारी से देवताओं को छोड़ देने का आग्रह करते हैं, परंतु राजकुमारी अपनी विद्या के अभिमान में भगवान विष्णु का भी तिरस्कार करती है। उनको दुर्वचन कटु वचन बोलती है, जिससे प्रभु फिर गरुड़ शक्ति का आह्वान करते हैं और हजारों गरुड़ प्रकट होकर सभी नागों को खा जाते हैं और देवताओं को मुक्त कर देते हैं। किंतु राजकुमारी विरोचना अपने पिता के साथ हुए कपट से क्षुब्ध थी, अतः वो स्वयं गरुड़ सेना पर अपनी तलवार लेकर के आक्रमण कर देती है और तलवार लेकर उनके पंख काटने लगती है। यह देखकर श्री भगवान के वाहन गरुड़ अतिशय क्रोधित होकर उस राजकुमारी की पर सेना के साथ टूट पड़ते हैं। इतने सारे गरुड़ पक्षी और अकेली महिला चारों तरफ से चोंच पंजों के प्रहार से उसके अंग को भंग कर देते हैं। उसकी आंखें बार बार इधर उधर देखते देखते उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं, पैर टेढ़े हो गए, कान भयानक हो गए, पीठ पर चोंच मार मार कर पंजे मार मार करके उसकी पीठ का जो मांस है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, जिससे उसके एक कुबड़ सा बन गया, घाव हो गए, सूज कर कुबर की गठरी बन जाते हैं और जिसके कारण उसकी कमर झुक जाती है और सकल बेसकल भयानक हो जाती है। देवदानव युद्ध तो समाप्त हो चुका था, देवता स्वर्ग पर काबिज थे और दानव पृथ्वी और पाताल दोनों के स्वामी थे। अब राजकुमार बलि राजा बन चुके थे और प्रहलाद और शुक्राचार्य की सहायता से राज्य काज चला रहे थे, किंतु भयानक सकल और सूरत बिगड़ जाने के कारण लोग विरोचना की मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसी करते थे। इससे क्षुब्ध होकर राजकुमारी हमेशा शत्रु भाव से भगवान विष्णु को नियमित सुबह शाम दोपहर रात आठों पहर सिर्फ उनको गालियां देती रहती थी। कालांतर में उसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु मरते समय भी वो अपने कुबड़ और कुरूप स्वरूप को याद करते हुए ही मर जाती है। वेदों उपनिषदों में वर्णित है और ये प्रमाणित भी है कि व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेते समय जिस चीज में उसकी स्मृति रहती है, उसको अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म मिलता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मरते समय अंत में भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की स्मृति करनी चाहिए, तो फिर वो मुक्त हो जाता है, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मरते समय भगवान याद नहीं आते, माया मोह की चीजें ही याद आती हैं। वही हाल उसका था, उसको अपनी कुबड़ अपने अंग भंग सब याद आ रहे थे। तो क्या हुआ कि उसका जो अगला जन्म हुआ तो वो जो उसके कुबड़ और उसका जो शरीर जैसा विकृत शरीर था, उसी शरीर के साथ उसे दोबारा जन्म मिलता है। अगले जन्म में वो मंथरा बनती है, पिछले जन्म में वो बैर भाव से। वेदों उपनिषदों में क्या वर्णित है? वेदों उपनिषदों में यही वर्णित है कि जो आप पिछले जन्म के कर्म करते हो उसके अनुसार आपको आगे उसका फल मिलता है। तो उसी कुबड़ के साथ वो जन्मी और बैर भाव जो उसका भगवान के प्रति बैर भाव था पूर्व जन्म में, तो पूरी जिंदगी प्रभु का स्मरण किया था उसने, अतः प्रभु ने उसको इस जन्म में भी बाल लीला आदि के समस्त सुख दिए जो हजारों साल तपस्या के उपरांत मनु सतरूपा को दशरथ कौशल्या के रूप में दिए थे। और वो बैर भाव से भगवान का स्मरण करने वाली उस विरोचना को
सहज ही वो सब कुछ मिल गया, वो बाल लीलाएं भगवान की, वो सब देखने को उसके बैर भाव की भक्ति के कारण उसको ये सब सुख मिले। पिछले जन्म में वो बैर भाव से प्रभु का स्मरण करती थी और इस जन्म में शुरू से ही वो भगवान विष्णु की विरोधी और राम जी का विरोध घृणा करती थी, किंतु वो आठों पहर राम जी का स्मरण करती थी। बैर भाव से या प्रेम भाव से या किसी भाव से जो प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु उसका स्मरण करते हैं। प्रभु अपने भक्तों का भजन स्मरण करते हैं, माला जपते हैं उनकी, यह तो आप सभी को पता है। अतः श्रीमान पटेल जी की पहली पूर्णता यहां फिट बैठती है कि भगवान अपने भक्त का भजन अर्थात स्मरण करते हैं। और मंथरा तो उनकी दो जन्म से भक्त थी, फिर उसका भजन भला क्यों नहीं करते प्रभु। तो ये है पटेल साहब की पहेली का शास्त्रोक्त गूढ़ार्थ। आशा करते हैं कि पटेल साहब आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा और आप सभी लोगों को मंथरा के पूर्व जन्म की कथा का ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अस्तु, जय सियाराम।